बॉलीवुड एक्टर पूनम पांडे का हुआ निधन। पूनम पांडे के मैनेजर ने इंस्टाग्राम के थ्रू दी जानकारी। मीरा भाईंदर अपार्टमेंट में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, एक शख्स के घायल होने की खबर सामने आई। मुंबई में 6 जगह बम है, बम ट्रेट, मैसेज आया मुंबई ट्रैफिक पुलिस को। वाली सीलिंग पर जबरदस्ती बाइक से एंट्री हुई महिला, ट्रैफिक पुलिस ने किया रेस्क्यू। ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल गणेश पाटिल को मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक भंसलकर ने किया अप्रिशिएट। छत्रपति संभाजी नगर पर MIM इम्तियाज जलील के खिलाफ केस दर्ज, बिना परमिशन पब्लिक प्रोटेस्ट करने को लेकर। यति नरसिम्हानंद ने कहा कि देश भर के मंदिरों में गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित होना चाहिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर ड्रग्स की स्मगलिंग, 82 करोड़ की कोकिंग ड्रग्स के साथ एक नाइजेरियन पैसेंजर को पकड़ा। रिश्वत लेने के मामले में ठाणे का ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार और उसका साथी हुआ गिरफ्तार, एंटी करप्शन ब्यूरो ने की कार्रवाई। कांग्रेस को लग सकता है एक और बड़ा झटका, जिशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी NCP अजित पवार ग्रुप ज्वाइन करने की तैयारी में। चेंबूर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, 9 लोग हुए घायल, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया घायलों को। JM वाइस प्रेसिडेंट छपाई सुरेन बने झारखंड के नए CM, हेमंत सुरेन ने ED गिरफ्तारी के बाद रिजाइन किया था। सचिन मिट्स तेंदुलकर अपने फैन का वीडियो पोस्ट करते हुए सचिन तेंदुलकर ने जाहिर की खुशी। लालबाग में न्यूबॉर्न बेबी गर्ल की डेड बॉडी मिली, अविगाना पार्क टावर के पास डस्टबिन में। मीरा भाईंदर की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने सेक्स रैकेट किया बस्ट, उत्तम रिजॉर्ट से 3 लड़कियों को किया रेस्क्यू, एक महिला को किया गिरफ्तार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फेक CBI ऑफिसर फ्रॉड केस मामले में राकेश रोशन के 20 लाख रुपए लौटाने का निर्देश दिया। सोलापुर से दिल दहला देने वाला मामला आया सामने, अडल्ट कंटेंट की कथित तौर पर लत और छेड़खानी की आदत के कारण पिता ने 14 साल के बेटे की की हत्या। किंग सर्कल गांधी मार्केट के सामने ब्रिज पर लगे आयरन रॉड को तोड़ा ट्रक वाले ने। BMC ने पेश किया 2024 का बजट, साफ सफाई एजुकेशन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, 59,954 करोड़ का बजट एलोकेट किया। फरार बिजनेसमैन मेहुल चेक्सी के खिलाफ उद्घोषणा नोटिस जारी। दशहरा चौक पर एक मुस्लिम समुदाय द्वारा बस पर पथराव के बाद कोल्हापुर में इलीगल मस्जिद एक्सटेंशन पर हुई कार्रवाई। कोल्हापुर पुलिस ने नाबालिग लड़की को गलत तरीके से छूने के आरोप में 65 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बेंड्रा वेस्ट के बाबा हॉस्पिटल में एक नर्स के साथ मारपीट करने के आरोप में बेंड्रा पुलिस स्टेशन में एक महिला के खिलाफ FIR दर्ज। CISF और एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने एयरपोर्ट पर 10 लाख वैल्यू के सोने के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। फाइटर फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हुए सोशल मीडिया पे ट्रोल, कहा 90% इंडियंस को फिल्म समझ में नहीं आई क्योंकि उन्होंने हवाई जहाज में उड़ान नहीं भरी है। पूनम पांडे की हुई अचानक डेथ की खबर पर मुनव्वर फारूकी, करण कुंद्रा, पूजा भट्ट ने किया दुख व्यक्त।